अयोध्या में नगर निगम के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है, जहां प्रतिदिन 5 से 10 जानवर सरयू नदी में फेंके जाते हैं, जिन्हें नदी के अंदर आवारा कुत्ते नोच नोच कर खा जाते हैं और बचा हुआ हिस्सा पानी में पड़ा रहता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। वहीं सरयू नदी की गंदगी दूर करने के लिए नागेश्वर नाथ का कर्मचारी सफाई करने के लिए 24 घंटे लगा रहता है। उन्होंने बताया कि सभी गौसेवक मरे हुए जानवरों को नदी से बाहर कराते हैं, लेकिन अब नाव वाले इन्हें बाहर निकालने को तैयार नहीं होते और काफी पैसे की मांग करते हैं। बता दें कि सरयू नदी के जल से अयोध्या के मठ मंदिरों में भोग लगता है और उसी जल में कुत्ते गौमाता को नोच नोच कर खा जाते हैं, लेकिन प्रशासन और जल निगम मदद नहीं कर रहा है। हम भैया देखिए, हम गोताखोरी का काम करते हैं, लेकिन ये चीज की लाइन में हम नहीं रहते हैं, हम ये लाइन में नहीं रहते हैं। और कोई आदमी डूब गया बह गया तो उसको निकालने का जिम्मेदारी रखते हैं, लेकिन अब ये काम नहीं करते हैं। कोई भी बाड़ी बास आता है तो उसको काम नहीं कर सकते हैं। अगर जानवर निकलवाने की कोशिश हम लोग करें आपसे तो क्या नहीं हमारे पास नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा जी। तो ये जानवर जो 7-8 ही पड़े हैं, बदबू कर रहा है, इसका जिम्मेदारी इसका प्रशासन तुमको मदद करेगा, क्योंकि उनके पास जल पुलिस भी है और प्रशासन भी है, वही मदद करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। आप लोग नाविक लोग नहीं मदद कर पाएंगे? नहीं, नाव वाले नहीं मदद कर पाएंगे, इसमें प्रशासन ही मदद कर पाएगा।